है इत्तफाक शुगर मिल्स की चिमनियों से उठता हुआ धुआं। यूं लगता है इसी धुएं में कहीं मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को उड़ा दिया गया है। ताकत और इक्तदार का जम रखने वाले मुल्क के मुनसिफे आला का फैसला मानने को भी तैयार नहीं। अदालत की आंखों में धूल झोंकने के लिए सुबह सवेरे ही रहीम यार खान जाने वाली कौमी शहरा पर काश्तकारों से एक जाली मुजाहरा कराया गया, जिन्होंने सड़क पर गन्ने से लदी ट्रॉलियां खड़ी करके शुगर मिले खोलने का मुतालबा किया। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद यही गन्ने की ट्रॉलियां इत्तफाक शुगर मिल्स के अंदर जाने लगी। हाँ से कितना वेंदे बेबे? इत्तफाक शुगर मिल चनी गो चलती पई है। जय जय भैया। केड़ी शुगर मिल वेंदे बेबे? इत्तफाक चलती पई है क्या? जय। इत्तफाक शुगर मिल्स की बैरूनी दीवार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मिल बंद करने का बैनर्स भी आवेजा कर दिया गया, मगर दूसरे गेट से गन्ने से लदी ट्रॉलियां शुगर मिल के अंदर जाती रहीं। खानपुर के करीब वाके चौधरी शुगर मिल्स में भी क्रशिंग समेत तमाम ऑपरेशन जारी रहे और इस शुगर मिल्स की चिमनियों से भी धुआं उठता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर जनूबी पंजाब मुंतकली के खिलाफ जहांगीर तरीन की दरख्वास्त पर इत्तफाक शुगर मिल्स, चौधरी शुगर मिल्स और हसीब वकास शुगर मिल्स के क्रशिंग समेत तमाम ऑपरेशन रोकते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को केस की समाअत खुद करने का हुक्म दिया था।